वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एंड स्टिचिंग। तो आज मैं लेकर आई हूँ इस फ्रॉक की जो स्टिचिंग, कल मैंने आपको इसकी जो है कटिंग बताई थी, तो आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टिचिंग है, 5 मिनट में सिलाई होने वाली फ्रॉक है। अगर आप गौर से देख लेंगे तो इस तरह से हमने जो है पहले ट्राउज़र को तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने आपको इसकी कल कटिंग बताई थी, तो इस तरह से हमने इसको रखते हुए यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे, म्यानी लगा लेंगे, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इसको पहले पिन अप कर लेंगे, फिर मैं आपको इसकी सिलाइयाँ लगा कर भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने जो है इसको पहले रेडी कर लेना है। तो जी इस तरह से हमने जो है सारे पीसेस को, दोनों पीसेस को इस तरह से दो दो इस तरह से जॉइंट लगाते हुए रेडी कर लेंगे, और फिर मैं आपको इसकी सिलाइयाँ भी लगा कर दिखाती हूँ। तो किस तरह से हमारा जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्राउज़र बनकर रेडी हो जाएगा कम कपड़े में। ठीक है, कि मैंने आपको कल जो कटिंग बताई थी, ये मैंने एक शर्ट में जो है फ्रॉक और ये हमारा जो ट्राउज़र है ये निकाला है 9 साल की बच्ची का। ठीक है, 9 साल की बच्ची का मैंने ये आपको निकाल के दिखाया था, एक शर्ट के पीस थे। ठीक है, तो आप भी इस तरह से बजट में रहते हुए जो है अपनी बच्चियों के लिए बना सकती हैं फ्रॉक और ट्राउज़र। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने जो है इसके ऊपर ये देखें बेल्ट भी लगानी है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा ज़्यादा नहीं था, तो हमने इस तरह से इसकी बेल्ट जो है तैयार कर लेनी है। यहाँ से स्टिचिंग करते हुए इसको जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों पीसेस को इस तरह से रेडी करते हुए हम इसके साथ जो है इसको अटैच कर लेंगे फिर। तो जी इसकी जो है सिलाइयाँ करते हैं, चलते हैं मशीन पर। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करना। तो जी इस तरह से हमने जो है बेल्ट को रेडी कर लिया है, और हम इसकी जो है साइडों वाली म्यानी लगाएंगे। इस तरह से हमने रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है, और उरेब जो साइड है वो हमने इसके साथ ट्राउज़र के साथ अटैच करनी है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हमने जो है चारों साइडों पर दोनों पीसेस को रेडी कर लेना है सिलाइयाँ लगाते हुए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो भी जाकर देखें, मैंने आपसे बहुत सारी जो है फ्रॉक्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं, आप जाकर देख सकती हैं। तो इस तरह से हमने जो है दोनों पीसेस को रेडी कर लिया। अब हमने इस तरह से इसको दोनों पीसेस को पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दरमियान से। तो इसी तरह से हमने जो है दोनों साइडों की सिलाइयाँ जो है लगा कर कम्प्लीट कर लेना है इसको। तो जी इस तरह से हमने जो है कंप्लीट कर ली हैं सिलाइयाँ। अब हम इसके ऊपर जो है इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे नीचे से, और ऊपर इसकी बेल्ट लगाते हुए इसको तैयार कर लेंगे, नीचे वाली सिलाई लगा कर इसको मुकम्मल कर लेंगे। फाइनल लुक हम आपको इस अभी दिखाते हैं। ठीक है, तो जी इस तरह से हमने जो है सबसे पहले स्लीव जो है रेडी करके रख लेने हैं। इस तरह से हमें दरमियान का कट लगा लेना है, और इस तरह से इसको सीधा करके रख लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमें जो है देख लेना है जो फ्रंट साइड की जो हमने कटिंग ज़्यादा की थी शोल्डर की, तो वो आपने गौर से देख लेना है पहले। और यहाँ से हमने जो है इसके फ्लावर को ध्यान से देखते हुए हमने जो है इसकी स्टिचिंग करनी है, कि इसके फ्लावर किस रुक जा रहे हैं। तो उस तरह से आपने देखते हुए इसको उसी तरह से फ्लावर्स लेके आने हैं नीचे को। ठीक है, तो इससे क्या है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपकी जो स्टिचिंग नज़र आती है, कि आप अच्छे तरीके से जो है एक एक चीज़ को देख लिया करेंगे। ठीक है, और इस तरह से करते हुए अब हमने इसके साथ इसको हल्की हल्की चुनट दे देनी है। आपने हाथ के साथ देनी है तो हाथ के साथ देने इस तरह से छोटी छोटी, या फिर आप इसको बड़ा टांका रखते हुए भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, चुनट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है इस तरह से इसको चुनट दे ली हैं। दोनों पीसेस को हम इस तरह से रेडी कर लेंगे, और नीचे से इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। फोल्डिंग जो है आप बिल्कुल बारीक बारीक किया करें, उससे जो है बहुत ही फिनिशिंग आती है और अच्छा लगता है। ज़्यादा आपने ये चीज़ चौड़ी नहीं रखनी होती। तो जी इस तरह से हम जो है इसकी फोल्डिंग कर लेंगे बारीक बारीक रखते हुए, और नीचे से आपने जो है घेरे की भी इसी तरह से पाइपिंग तरह फोल्डिंग करते हुए सिलाइयाँ लगा लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने इसकी यहाँ पर चुनट लगा डालने नहीं है। इस तरह से हमने मशीन का टांका जो है इस तरह से बड़ा कर लेना है, और यहाँ से हमने जो है ये जो कट लगाया है इसे जो है 1 इंच हमने पहले इस तरह से रखते हुए मशीन को इस तरह से बड़ा टांका रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही अच्छी जो है चुनट इससे डल जाती हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर हम जो है इस तरह से सिलाई चला लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने चारों पीसेस को रेडी कर लेना है। 4 कट्स हैं हमारे, 2 आगे और 2 पीछे। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से पकड़ना है, और यहाँ पर इसको रखते हुए यहाँ से एक धागा लेंगे और इसको हल्का सा खींचेंगे तो चुनट इसकी डलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जितनी आपने चुनट्स रखनी है उतनी आप इस तरह से रखते हुए इसको खींच लें, और इसको बराबर करते हुए हमने जो है इसको इसके साथ अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने जो है इसको चुनट्स को बराबर कर लेना है पहले। ठीक है, कि जो हमारा कट है इसके बराबर आए। तो यहाँ से अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो
अगर आपने जो है लैस वगैरह कोई लगानी हो तो आप इसको इस तरह से इसके ऊपर रख के भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से अटैच किया है कि देखिए इस तरह से हमने इसको उल्टा करके रख लेना है और यहाँ से हमने इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और चुन को आपने अच्छी तरह से बराबर कर लेना है। ठीक है, यहाँ से अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ तक हमारा जो कट आ रहा है इसके हमने थोड़ा सा आगे लेके जाना है यहाँ से। ठीक है, हाफ इंच ज़्यादा आपने सिलाई को आगे तक ले जाना है इस तरह से। ठीक है, बहुत अच्छा जो है हमारा ये पक्का हो जाएगा। अब हमने इसी तरह से चारों साइडों को राइडी कर लिया है। ये जो कपड़ा, ये जो हमने धागा लगाया था इसको हम जो है इस तरह से निकाल लेंगे। तो अब हमने जो है इसके ऊपर ये देखो ये जो पैच है इसको रेडी करना है। तो किस तरह से हम इसको रेडी करेंगे, बहुत ही अच्छा हमारे कॉर्नर आने चाहिए। तो अब हम इसको इस तरह से रखेंगे कि हमारे कॉर्नर जो है वो बहुत ही अच्छे लगें। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इसको ऊपर से रखते हुए यहाँ तक हम इसकी मार्किंग कर लेंगे पहले, और फिर हम इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। और अब हम इसको जो है इस तरह से देखें, गौर से देख लें, यहाँ से जो है कोना इसका बहुत ही प्यारा बनना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको करते हुए ये देखें यहाँ से इसको पकड़ेंगे। बिल्कुल पहले आपने सेट कर लेना है इसको और यहाँ तक हम इसको उल्टा कर लेंगे ये देखें इस तरह से, और फिर हम इसको पिन अप कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, और कोने तक ले जाएंगे ये देखें, यहाँ से हमने रखते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई लेके आनी है। सिलाई के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे ये देखें इस तरह से। तो जी इस तरह से हमने जो है इसको सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है। तो जी इस तरह से हमने जो है इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से आपने अगर इसकी कटिंग करनी है तो आप कटिंग कर लें, अगर आपने कटिंग नहीं करनी तो मैं इसी तरह से जो है रखकर इसको लगाने वाली हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो जी ये देखिए मैंने एक जो है अटैच कर लिया था, अब मैं दूसरा आपको अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने जो है दोनों को पहले इकट्ठा रखते हुए रेडी कर लिया था। ठीक है, दोनों पैच को, और यहाँ से अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे बिल्कुल सीधा रखते हुए। ठीक है, आपने निशान लगा लेने हैं एंची टेप के साथ, आपने पहले इसको अच्छी तरह से साइज़ ले लेना है। दोनों हमारी जो पट्टियाँ हैं बराबर आनी चाहिए दोनों पैच। ठीक है, इस तरह से हमने इसको अब रखते हुए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करना है, और आपने ना कपड़े को खींचना है और ना ही आपने जो है पैच को खींचना है। ठीक है, इससे जो है चुनट आ जाएगी। तो इस तरह से आपने हल्के हाथों से दोनों चीज़ों को इस तरह से पकड़ते जाना है और सीधा करते जाना है और इसको सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, तो जी इस तरह से हमने जो है इसको सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी जो है रेडीमेड स्टाइल फ्रॉक बनकर हमारी जो है रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है घर में अपनी बच्चियों के लिए थोड़ी बहुत जो है इस तरह से डिज़ाइनिंग करके रेडीमेड लुक दे सकती हैं। तो जी इस तरह से हमने जो है सारी जो सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो जी ये देखें हमारा रेडी हो गया डिज़ाइन, ये इसकी फाइनल लुक चेक करें। बहुत ही ब्यूटीफुल जो है हमारा फ्रॉक डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आप इसके दरमियान में अगर कोई टसल वगैरह लगाना चाहती हैं तो वो भी आप लगा लें। स्लीव्स मैंने जो है इस तरह से सादे ही रखे हैं, क्योंकि गर्मियों में जो है ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग जो है नहीं पहनी जाती, तो इस तरह से मैंने जो है सिंपल सा इसको बना लिया है। तो इस तरह से हमने जो है इसका ट्राउज़र भी साथ बनाया है, ये देखें इस तरह से इसकी फाइनल लुक। वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा लाइक कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।